हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं लार्स माउसर कर्सर को हम कैसे ऑन कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये IQ का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और ये देखिए शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पर जाना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और लास्ट वाले ऑप्शन पर एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही और भी सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे इसको और ये देखिए कलर इन्वर्जन, सॉरी फ्रेंड्स, लार्स माउस कर्सर। तो इसको राइट साइड से ऑन कर लेंगे। ऑन करते ही आपका ये ऑन हो जाएगा। और ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि कंप्यूटर पर आपने देखा होगा जो कर्सर होता है इस तरीके से, जो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पर भी एक कर्सर आ जाता है, वो कर्सर आपको लार्ज दिखाई देगा, इसलिए वो सेटिंग का यूज़ करा जाता है, ऑन करा जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।